सोयाबीन फसल का नुकसान होने से सोयाबीन उत्पादक किसान ने फसल पर रोटावेटर चलाया, सर्वेक्षण कर जल्द नुकसान भरपाई की मांग। हाल में किसानों पर संकट मंडरा रहा है, बोया लेकिन उगा नहीं, उगा तो फलियों में बीज नहीं, ऐसे नई समस्याओं का सामना किसान कर रहे हैं। जिले की विचोड़ा के किसानों की अलग व्यथा है। रामाजी डोंगरे ने 1 हेक्टेयर जमीन में सोयाबीन बोया, मशागत के साथ उन्हें 50,000 का खर्च आया। फसल भी अच्छी हुई, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हुए बेमौसम बारिश के कारण फसल का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। हाथ आया सोयाबीन पानी में डूबने से फलियां भी सड़ गई। इस क्षेत्र के 9 से 10 किसानों की यही व्यथा है। अब इस किसान ने अपने 1 हेक्टेयर क्षेत्र के सोयाबीन पर रोटावेटर चलाया और फसल नष्ट की। सोयाबीन यह नकदी फसल जरूर है, लेकिन अब यह फसल किसानों को दुविधा में डाल रही है। इस संदर्भ में तहसील कार्यालय में शिकायत की गई है, लेकिन इस बारे में कृषि विभाग उदासीन दिखाई दे रहा है। कृषि विभाग का कोई भी सर्वे नहीं हुआ, जल्द से जल्द निरीक्षण कर नुकसान भरपाई दी जाए, यही मांग अब किसान कर रहे हैं। और संकट से उभर कर किसानों ने साहस के साथ अब रबी फसल लेने का तय किया है। विचोड़ा शेतकरी असून माझ्याकडे 1 हेक्टर मध्ये सोयाबीन लावलेलं होतं, त्यापैकी अति पावसामुळे पूर्ण माझं सोयाबीन जे आहे ते कुजलेलं, पाण्यामुळे कुजलं, त्यामुळे माझं पूर्ण नासाडी झाली आणि कमीत कमी 10 क्विंटल सोयाबीन व्हायचं ते मला एकही दाना झालेला नाही। त्यामुळे मी आता मी आणि हे जर ठेवलं असतं किंवा केलं असतं हे मजूर लावून आपल्याला परवडणं जगून नव्हतं, त्यामुळं आम्ही आता मी उभ्या पिकावर ट्रॅक्टर लावून आता शासन का मदत करेल याची वाट बघेल।